जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। श्रद्धा के केस की चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब आप ये बताइए कि आपकी क्या सेवा की जाए, मैं कब कहां कितना भेजूं? अगर आपने दोबारा मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो मुझे आपको अरेस्ट। तो समझ गया इंस्पेक्टर साहब, पर वैसे भी जब श्रद्धा डिवोर्स ही चाहती है तो मैं डिवोर्स दे दूंगा श्रद्धा। तुम लोगों ने एक मकान खरीदा था ना नीलामी में, उसे बेचकर कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते? घर काम तो प्रसाद जी की अमानत है। सुधा केमिकल से इतनी चिढ़ क्यों? हमारी पूजनीय भाभी जी ने काम ही कुछ ऐसा किया। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? दरअसल वो जो सिकंदर है ना, बहुत शातिर है, उसने मेरी भोली भाली पति फता भाभी जी को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया। सब बर्बाद कर दिया इस औरत ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। खैर तुम जाओ, जाकर सो जाओ यार, हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट खाए की, गुड नाइट। ये क्या बेहूदगी? अच्छा, अगर ये बेहूदगी है तो फिर उसे क्या कहता है जो तुमने किया? मैंने क्या किया? क्या किया? ये कहो कि क्या नहीं किया तुमने? देखो अपनी हद में रहो। और तुम अपनी हदें पार करके सिकंदर के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहो, क्यों? मिस्टर, तुम समीर या जो कोई भी हो, मेरे साथ इस तरह का बिहेव करने का तुमको कोई हक नहीं है, समझे तुम? हाँ, क्यों नहीं? जिंदगी को हसीन और रंगीन बनाने का हक तो सिर्फ तुम्हें मिला हुआ है। पति को गए चंद महीने नहीं गुजरे, सारे अरमान चूर होते नजर आने लगे तुम्हें, जो तुम्हें सिकंदर की जरूरत पड़ने लगी। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरा सिकंदर के साथ कोई अफेयर नहीं है। सब दिख रहा, सिकंदर पर की गई मेहरबानी हर बात का सबूत दे रही है। और क्या भरोसा, तुम्हें सिकंदर के साथ मिलकर अपने पति को मरवाया हो? कुछ भी हो सकता है। इस तरह के इल्जाम मुझ पे मत लगा, ये सब झूठ है। क्यों? अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा कर कैसे पाई तुम? क्या नहीं दिया उसने तुम्हें? अगर कुछ दिया हो ना दिया हो, इतना ढेर सारा प्यार तो दिया था तुम्हें। कंपनी एक चली जाए या दस चली जाए, लेकिन प्यार में धोखा, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। रिएक्शन सुनील के अलावा किसी के नहीं हो सकते। तुम मेरे सुनील, तुम मेरे पति सुनील? हाँ, तुम सुनील।
कौन तुम्हारे सास होगी? वही खुशबू तुम्हारे बदन की। सुने सुने कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़ के? क्यों चले गए थे? क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के? आप कहे तो बस नहीं रे बुद्धू। अरे बात बात में जान से मार देने की बात क्यों करता है? वो पुलिस वाला है, कोई सुनील नहीं कि झूठे सबूतों के साथ पुलिस वालों को परगला दो। वैसे वो पुलिस वाला बड़ा ईमानदार है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि पूरे महकमे में खलबली मच जाएगी। मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूं। ओके बॉस। तुम्हें सोचो तुम्हारा जाना मेरे लिए कितना बड़ा सदमा था, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा 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 तुम्हारी निशानी, बस उसी की आस में मैं जिंदगी की डोर पकड़े जीती रही, वरना मेरे पास जीने के लिए मकसद ही क्या था? लेकिन वो भी इस दुनिया में आने से पहले। सुने इतने सब हादसों के बाद और कुछ नहीं तो मैं वो सिकंदर के साथ जी। सुनिए ये परिस्थिति की मारे कि मैं पापा और आनंद को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाई, उनकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाई, पर कम से कम तुम तो मेरी बात पर यकीन करो। नहीं अनु, भले ही मुझे किसी बात का पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अनु कल भी मेरी थी और आज भी मेरी। बस अब मैं आ गया हूं ना तुम्हारे लिए, सबके अंदर जो बेरुखी है सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। तुम्हारा सारा मिल गया, अब मैं सबकी बेरुखी से मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। काश कि मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में पहचान लिया, मुझसे भूल हो गई। इसमें भूल जैसी कोई बात नहीं अनु, बदली हुई शक्ल पर विश्वास करना कोई आसान तो नहीं होता ना। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया तो तुम घर वालों के सामने सीधा सुनील बनकर क्यों नहीं आ गए? कैसे आता, जब तुम मेरी पत्नी होकर मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी तो बाकी लोग कैसे मुझ पर भरोसा करते? अब चलो, तुम आनंद को मेरे सुनील होने का यकीन दिलाना और मैं उसे तुम्हारे बेगुनाह होने का यकीन दिलाऊंगा। नहीं सुनील, तुम्हारे यकीन दिलाने से उनकी मेरे प्रति जो बेरुखी की एक वजह है वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन दूसरी वजह नहीं। और अगर मेरी बात पर यकीन करके वो तुम्हें सुनील मान भी ले तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी उनकी बेरुखी का शिकार होना पड़े। मुझे भी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, तुम्हारी एक डायरी सिकंदर के हाथ लग गई थी जो ये साबित करती है कि हमने हमने कामता प्रसाद के साथ बेईमानी की। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारे पीछे हमारा बच्चा, हमारी कंपनी। मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ अनु, मुझे सब बता, मैं सब जानना चाहता हूँ अनु। तुम्हारे जाने के बाद आनंद ने कंपनी को संभाला और तुम्हारा वेल विशर और दोस्त होने का ढोंग करके सिकंदर ने हमारे घर में जगह बना ली। भगवान
शिवू को फंसाने के लिए हमने जो फंदा बनाया था, कहीं वही शिवू को सुनील के कत्ल के फंदे से ना बचा ले। सक्सेना, मुझे सुनील की वो डायरी मिल गई है जिसमें कामता प्रसाद और सुनील के बीच हुई बिजनेस डील के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उस डायरी से पूरी तरह साबित किया जा सकता है कि बेईमानी कामता प्रसाद ने नहीं बल्कि सुनील ने की थी। ये देखिए, ये क्या है? घबराइए मत अनुदी, ये तो बस आपके और आपके आदर्श पति की ईमानदारी से भरी डायरी की एक फोटोकॉपी है। छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो मेरा पैर। पापा मुझे माफ कर दीजिए। चली जाओ यहाँ से। बस। और उस डायरी को हासिल कर श्रद्धा ने कंपनी में कामता प्रसाद की हिस्सेदारी का दावा करके केस कर दिया। फिर तो हमें घरवालों का साथ मिलने से। सॉरी अनु, तुम्हें कुछ और दिन घरवालों की बेरुखी को झेलते हुए रहना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं। अनु, मुझे बाकी लोगों के साथ साथ घरवालों की नजर में भी समीर बनकर रहना होगा ना। लेकिन क्यों? ऐसा किए बिना सिकंदर को मात देने का मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? लेकिन उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस तो मैं कर ही चुकी हूँ। कानूनी लड़ाई से कुछ नहीं होगा अनु, सिकंदर से तो मैं खुद ही बदला था, और यही मेरा मकसद भी है और फैसला भी। काम हो गया बॉस। अरे ये हुई ना खबर, काम तो हो रहा ही था। चले हैं सिकंदर से उलझने बेवकूफ। अरे हर मर्ज की दवा रखता है सिकंदर। अपने मकसद को पाने के लिए जब सिकंदर सुनील को रास्ते से हटा सकता है, तो फिर ये अनुराधा और श्रद्धा क्या चीज है? इनको रास्ते से हटाने का रास्ता कम से कम सिकंदर तो निकाल ही सकता है ना। और क्या बस। अब ये पूरा का पूरा पुलिस महकमा ईमानदार थोड़े ही है। चले हैं सिकंदर के रास्ते में रोड़ा अटकाने, जो खुद सबकी जिंदगी में रोड़ा अटकाना चाहता है। देखिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। बैठिए श्रद्धा जी। थैंक यू। सुनाइए क्या खबर? खबर ये है कि सिकंदर और अनुराधा सक्सेना के केस की तारीख कोर्ट में पड़ने वाली है, और मैं अपनी तरफ से सुनवाई की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपका साथ मुझे केस जरूर जिताएगा। काश ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। अफसोस सिर्फ बात का है कि अपने जरिए मैं आपको इंसाफ नहीं दिला पाया। लेकिन अचानक ये ट्रांसफर कैसे हो गया? श्रद्धा जी, ये कोई नेचुरल या रूटीन ट्रांसफर नहीं है। आई मीन मेरा ट्रांसफर हुआ नहीं है, बल्कि करवाया गया है, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये सिकंदर ने करवाया। ये सिकंदर की तो, अब इसमें सिकंदर का क्या दोष मैडम? दोष तो हमारे सिस्टम का है, जिसे बनाती तो सरकार है, लेकिन चलाते हैं सिकंदर जैसे लोग, और उसमें पिसती है इंसानियत, ईमानदारी, निष्ठा और आलोक पाठक जैसे चंद इंसान, जिसकी सिस्टम को कभी कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आम जनता का क्या होगा? उनको तो आप जैसे सिंसियर ऑफिसर्स की जरूरत है। पता नहीं आपकी जगह आने वाला इंस्पेक्टर आप जैसा होगा भी या नहीं। मैं तो सिर्फ कामना ही कर सकता हूँ कि आपको इंसाफ मिले, और बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहती, यानी कि अनुराधा सक्सेना के कंपनी पर वापस कब्जा जमाने के बाद। मेरा बस चले तो मैं इस सिकंदर की इतनी धुनाई करूं कि उसके दिमाग से सारा मैनिपुलेशन निकल जाए। पता नहीं उस कमीने ने क्या क्या सेटिंग की होगी उस इंस्पेक्टर के तबादले के लिए। सिमरन,
तुम्हारी पहुंच भी तो दूर दूर तक है, तो क्या इंस्पेक्टर पाठक का ट्रांसफर रुकवाने में तुम कोई जुगत नहीं लगा सकती? क्यों नहीं, पर दिक्कत यह है कि कोई मेरे लिए या मेरे रिक्वेस्ट पर अपने ईमान को क्यों जगाएगा? अगर कोई जगाने को तैयार हो भी जाए तो सिकंदर की तरह पैसे कहां से लाऊंगी मैं, और कितनों को खरीद पाएंगे हम? क्या इसमें हैरानी की क्या बात है? यही तो दस्तूर है आज का। बेईमानी के जमाने में हजार गुना जोखिम भरा काम है आज के जमाने में किसी से ईमानदारी करवाना। किसी का ईमान खरीद पाना तो फिर भी सस्ता है, मगर किसी की बेईमानी खरीद पाना नामुमकिन। जाने इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? सॉरी। तुम और मैं क्यों सॉरी फील करें? खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, अपनी कोशिश तो करते ही रहेंगे। पर हम करेंगे भी तो क्या? सबसे पहले हमें नए इंस्पेक्टर के रवैये को भांपना होगा, फिर सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी हाल में वो डायरी हमें पुलिस के हवाले नहीं करनी। क्या पता उसके साथ क्या छेड़छाड़ कर दी जाए। मुझसे कहो ना अपने मन की बात। बेहतर होगा आनंद की बजाय तुम अपने बारे में सोचो। अपनी कंपनी में मुझे नौकरी दिलवा दो। ऐसा मत बोल मेरे भाई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ समीर, एक साथ कई सिचुएशंस को हैंडल कर सकते थे। ऐसा क्या खास तरीका है आपका? मैं कमिन, हमें पसंद करने की कोई खास वजह? यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आपके सामने खड़ा हूँ। अभी अभी मेरे ऑफिस से समीर नाम का आदमी निकला है। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के